बेन के पास एक ओमनीट्रिक्स है और वो उसकी मदद से एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। तो क्या रूप बदलने का एबिलिटी सिर्फ हमारे बेन के पास है? दूसरे फ्रेंचाइजी में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन आज हम दूसरे फ्रेंचाइजी में दिखाए गए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास एक से ज्यादा रूप में ट्रांसफॉर्म होने का एबिलिटी है और जो हमारे बेन 10 से थोड़े सिमिलर है। साथ ही आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैरेक्टर्स कौन से शो या फ्रेंचाइजी से बिलोंग करते हैं और उन्हें एक से ज्यादा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का पावर कैसे मिला। मैं जिन कैरेक्टर्स को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ वो लोग थोड़े बहुत बेंटन से सिमिलर है, पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप लोगों को कुछ मिसमैच्ड लगता है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, बट आप उस कैरेक्टर को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, योम। ये शो हमें निकलोडियन में देखने को मिला था और कुछ अदर्स चैनल पे भी शायद। एनीवेज, इस शो में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास योगा पावर है। वो अपने इस पावर और एक मैजिकल लॉकेट की मदद से किसी भी जानवर में बदल सकता है। इसके लिए उसे अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज करना पड़ेगा जिसे योगा में किया जाता है। तो बेन की तरह योम भी दूसरे फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जिसे हमारा बेन दूसरे एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाता है वैसे ही योम दूसरे जानवरों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे बेन 10 में हमें एलियंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही हमें इस शो में वो एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होते टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है और ये दोनों ही अपने अपने शो के मेन कैरेक्टर है। नंबर 3, बीस्ट बॉय। बीस्ट बॉय टी टाइटन्स को का एक कैरेक्टर है और टाइटन्स की टीम का एक मेंबर भी है। ये कैरेक्टर किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो पाता है बिना कोई गैजेट के मदद से। वैसे ये भी आपको पिछले वाले कैरेक्टर से सिमिलर लगता होगा और ऐसा लगना भी ऑब्वियस है क्योंकि दोनों के पावर सिमिलर है। तो सेम तरीके से सेम ट्रांसफॉर्मेशन सिक्वेंस के वजह से बीस्ट बॉय का पावर बेन के साथ भी सिमिलर है और एक सिमिलरिटी इन दोनों में है इनका कलर। नंबर 2, लॉर्ड विष्णु फ्रॉम दशावतार। लॉर्ड विष्णु के ऊपर आधारित दशावतार मूवी में विष्णु के 10 अवतार के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ये मूवी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं यहाँ किसी भी रिलीजन का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये बस सिमिलरिटीज है। इस मूवी में हमें लॉर्ड विष्णु 10 अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिले है और बेन भी स्टार्टिंग में 10 अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता था। नंबर 1, माय नेम इज राज। ओके, इस शो के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ये शो भी हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। इस शो के हीरो राज के पास एक बेल्ट है जिसकी मदद से वो अलग अलग अवतार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बेन की तरह वो भी अपने अलग अलग अवतार का नाम रखता है। इन दोनों शोज में काफी सिमिलरिटी है और दोनों ही शो में हम हीरोज के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग बेंटन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।